हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये पैटर्न आप सभी के साथ शेयर करूंगी। ये देखिए केवल पैटर्न है और ये 8 लाइन में बनकर तैयार होता है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में से अप्लाई कर सकते हैं, खासकर ये जेंट्स स्वेटर में तो काफी ही प्यारा लगेगा। और इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 14 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे और प्लस 4। इस तरह से आप यदि फंदे लेंगे तो आपके पैटर्न जो है अच्छे से प्रोजेक्ट में सेट हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो इसमें देखिए टोटल मैं जो है 46 फंदे ली हूं। यहां तक 14 14 14 और प्लस 4, इस तरह से मैंने 46 फंदे ली हूं। और मैं इसी में बता देती हूं आपको। तो स्टार्ट में देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और 3 फंदे हम उल्टा बोल लेंगे, 1 2 और ये 3। ये फर्स्ट रो है हमारे पैटर्न की राइट साइड से। तो ये हमारे टोटल यहां पर 4 फंदे हो गए। धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे करके 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे 1 फंदा सीधा, धागा आगे 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे 1 फंदा सीधा और धागा आगे 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे 1 फंदा सीधा। ये जो इतनी बुनाई है हम टोटल देखिए यहां से 2 4 6 8 10 12 ये 14, इन 14 फंदे की बुनाई हमें बार बार रिपीट करनी है। देखिए इधर भी हम 14 फंदे, इधर इस तरह से हमें ये फर्स्ट लाइन में ये 14 फंदे की बुनाई स्टार्ट कर रिपीट करनी है। फिर से देखिए दूसरे पैटर्न के लिए 4 फंदा उल्टा बुनेंगे, 2 3 और ये 4 फंदा, धागा पीछे करेंगे 1 फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे 1 फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे 1 फंदा सीधा, धागा आगे 2 फंदा उल्टा और धागा पीछे 1 फंदा सीधा। फिर से वापस देखिए हम यहां से यहां तक में फिर से हम 14 फंदे की बुनाई किए हैं, 2 4 6 8 10 12 ये 14। यहां से जो 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद सीधे हम बुनते हैं तो 4 बार हम बुनाई करते हैं, 1 फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा 1 हो गया, 1 फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा 2 हो गया, 1 फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा 3 हो गया, ये चौथी बार ये सीधा फंदा होता है। ठीक है, वापस फिर हम 14 फंदे की बुनाई करेंगे रिपीट, 1 2 3 और ये 4, धागा पीछे करेंगे 1 फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा और 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे फिर से 1 फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा, फिर से 1 फंदा सीधा। ये हमारे फिर से यहां पर 14 फंदे की बुनाई हो गई। अब लास्ट का धागा आगे करके ये 4 फंदा हमारा एक्स्ट्रा वाला है, इसे हम सीधा उल्टा उल्टा बोलेंगे। इस तरह से हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं सेकेंड रो में। सेकेंड रो में जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बुनाई करनी है। जिस फंदे को हमने सीधी साइड से सीधा बुना है वो उल्टा बुनेंगे और जिसे हम उल्टा बुने हैं उसे हम सीधा बुनेंगे। देखिए सेकेंड रो, पहले हम 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 फंदा उल्टा और 2 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा और 2 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा और 2 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके 4 फंदा हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4। यहां से यहां तक एक 4 फंदे को छोड़कर यहां से देखिए 2 4 6 8 10 12 ये 14 फंदे, ये 14 फंदे की बुनाई हम बार बार रिपीट करेंगे। ये 4 फंदा फिर से हमारा स्टार्ट हो गया दूसरे पैटर्न के लिए। 4 फंदा उल्टा,
इन्हीं 14 फंदे की बुनाई को बार बार हम रिपीट करेंगे, या फिर यूं समझ लें कि जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुनाई करनी है। रो नंबर 2 में सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा। सेकेंड रो हमारी कंप्लीट आ गई हो गई। अब यहां से देखिए, हम ध्यान देंगे ये जो दो रो हमने बुने हैं, फर्स्ट रो और सेकेंड रो, इन्हीं दो रो को बार बार रिपीट करेंगे और इस 6 लाइन हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने 2 लाइन की बुनाई कर ली है और इसी दो रो को 2 बार और रिपीट करके हम 4 लाइन और कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारे 6 लाइन हो जाएंगे। तो बुनाई कर लेते हैं हम, इन्हीं 2 लाइन को हम 2 बार और रिपीट करके 6 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। रो नंबर 6 कंप्लीट होने के बाद अब हम आते हैं रो नंबर 7 में, और राइट साइड है। इसमें देखिए, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 फंदा और ये 2 फंदा। टोटल यहां पर हमारे स्टार्ट में जो है 3 फंदे हुए। अब ये वाला उल्टा फंदा रह गया, ये चौथा फंदा की हम बुनाई नहीं कर रहे हैं। अब यहां से देखिए, 1 2 ये 3, ये 3 फंदे को छोड़कर ये 4 5 और ये 6 फंदे के, ये अगले 3 फंदे को हम इस तरह से राइट वाले निडिल पर लाएंगे। 1 2 और ये तीसरे फंदे, आप निडिल पर से टोटल फंदे 6 फंदे उतार कर भी आप ट्विस्ट कर सकते हैं, मुझे यहाँ पर ट्विस्ट ही करना है। देखिए, ये 3 फंदे हमने राइट वाले निडिल पर ले लिए। देखिए, यहां से फिर इस फंदे को हम निकालेंगे, वापस से इन 3 फंदों को हम लेफ्ट वाले निडिल पर लेंगे, और ये राइट वाले निडिल पर हमने जो 3 फंदे लिए हैं वापस से हम लेफ्ट निडिल पर लेंगे। अब देखिए, इन 6 फंदे की बुनाई हम कैसे करेंगे। पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, वापस फिर मेरी बुनाई उसी तरह हो रही है। देखिएगा, 1 फंदा सीधा, फिर से 2 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा और 1 फंदा उल्टा। अब फिर यहां पर से इन 6 फंदे की ट्विस्ट हम करेंगे। तो पहले हमने ये फ्रंट साइड से 3 फंदे को आगे से लिए, अब हम बैक साइड से अगले 3 फंदे को छोड़कर 4 5 और ये 6 3, ये छठे फंदे तक हम, चौथा पांचवा और छठे फंदे को राइट वाले नीडल पर इस तरह से लेंगे। फिर से आप जो है इस तरह से ट्विस्ट कर लीजिए। देखिए, 3 फंदे को फिर हम लेफ्ट वाले नीडल पर लेंगे, और राइट वाले नीडल पर जो हमने 3 फंदे लिए हैं इसे वापस से लेफ्ट पर लेंगे। अब यहां से बुनाई हम करेंगे, 1 फंदा 6 फंदे की बुनाई पहले देख लीजिए, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से 1 फंदा सीधा, धागा आगे और 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे और 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा। देखिए इस तरह से, तो हमने देखिए यहां पर 12 फंदे की यहां पर ट्विस्ट किया, 6 फंदे पहले और 6 फंदे इधर से दोनों साइड से। तो टोटल यहां पर देखिए हमारे यहां तक 14 फंदे की बुनाई, यहां से यहां तक जो है, ये 1 फंदे को छोड़कर यहां से यहां तक की इन 14 फंदे की बुनाई हम फिर बार बार रिपीट करेंगे। फिर से दूसरे पैटर्न में देखिए कैसे आएंगे हम यहां पर, ये 1 फंदे उल्टे तो हमने इधर से बुनाई कर ली, अब यहां पर 2 फंदे और हम उल्टे बुनेंगे, उसके बाद फिर यहां पर हम 6 फंदे की ट्विस्ट करेंगे। देखिए, 1 2 ये 3, ये 4 फंदे जो हमने उल्टे बुने थे उसमें से 1 फंदे ये भी हैं। 1 2 3 फंदे को छोड़कर चौथा पांचवा और छठा फंदे को हम राइट वाले निडिल पर इस तरह से लेंगे। देखिए, ये 6 फंदे ट्विस्ट करने के बाद अब इसकी बुनाई देखिए, यहां पर 1 फंदा हमने उल्टा बुना, देखिए यहां 2 फंदा यहां पर उल्टा बुने, धागा आ गई है और यहां पर 1 फंदा, फिर ये 6 फंदे की ट्विस्ट में बुनेंगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा और फिर 1 फंदा उल्टा। ये 6 फंदे की हमने बुनाई कर ली। अब फिर से हम इन 6 फंदे की ट्विस्ट करेंगे। तो ये देखिए, 1 2 3 फंदे हम छोड़कर
चौथे पांचवें और छठे फंदे को बैक साइड से हम लाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए तीन फंदे को फिर हम लेफ्ट वाले नीडल पर ले लेंगे और इसकी बुनाई करेंगे। एक फंदा उल्टा, देखिए धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। तो देखिए हमने यहाँ पर 14 फंदे की फिर से हमने यहां से यहां तक की बुनाई कर ली। मेन जो है ये 12 फंदे की जो है ट्विस्ट जो है ये फंदे को, ये पैटर्न को जो थोड़ा सा रियल लुक देता है। तो इन्हीं फिर से हम आगे हम इधर भी उसी तरह से ट्विस्ट करके बना लेते हैं। रो नंबर 7 कंप्लीट होने के बाद अब हम आते हैं रो नंबर 8 में। इसमें भी सारे फंदे उसी तरह से बुनाएंगे, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उसी तरह से बुना, जो सीधे दिख रहे हैं उसे सीधा बुनेंगे, जो उल्टा दिख रहा है उसे हम उल्टा बुनेंगे। तो पहला फंदा स्लिप करके हम पहले तीन फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से धागा आगे, एक फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और यहां से चार फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे, दो तीन और ये चार। तो इसी तरह से हम सारे फंदे को बुन लेंगे, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनेंगे। लास्ट का ये चार फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारी रो नंबर 8 कंप्लीट हो गई और ये पैटर्न भी बनकर तैयार हो गया। तो ये देखिए बनने के बाद इस तरह से दिख रहा है। तो बनाइए, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।